गुड मॉर्निंग नमस्कार बंधु अकल मोर अन्यटा भिडिओ लै चाबिलो उपो स्वागतम। आज हम लोग एक ही जगह पे जाने वाला है, वो है जो होलंगी पे थे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पे एक सबसे अरुणाचल का सबसे बड़ा एक एयरपोर्ट बनने वाला है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग फिलहाल वहीं पे जाने वाला है। तो अभी ईटानगर से दूरी है, मैक्सिमम इतना दूर भी नहीं है। चलो जो भी हो, दूर का कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ऊपर का तो रेडी तो हो गया, जैकेट वैकेट लगा लेंगे और थोड़ा ठंडा भी हुआ है। चलो तब तो सीधा आपके सीधा हम लोग सीधा वही एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? चलो अभी पहुंच गया हम लोग एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, और ये सच्चे जाएगा तो आपको ईटानगर मिलेगा, और बाकी घुमाइए थोड़ा। हाँ, ये साइड पे आपको मिलेगा जो गेट है ना, होलंगी वाला जो गेट चेक पोस्ट वहाँ पे, और यहाँ पे सीधा स्ट्रेट पे मिलेगा आपको दोनीपोलो एयरपोर्ट। चलो अभी फिलहाल यहाँ से हम लोग का जो टारगेट है, जो जर्नी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनीपोलो एयरपोर्ट की तरफ। चलो ईटानगर से मैक्सिमम कितना 20 किलोमीटर का आसपास होगा। और जो मैंने जो लास्ट टाइम जो रुक के आप लोगों को दिखाया था ना, ये चेक पोस्ट, ये है ईटानगर वो रास्ता, वहाँ से मैक्सिमम आपका 2 किलोमीटर का आसपास होगा, और ज़्यादा इतना दूर भी नहीं है। चलो देखते हैं, जितना हो सके तो कोई बात नहीं है, अभी तो निकल गया तो बस पहुँचना ही है। चलो देखते हैं तब तो। हाँ, दोनीपोलो एयरपोर्ट इसके लिए हुआ है, जो यहाँ का एक तो संप्रदाय है गालो लोग, उन लोग को जो ये दोनीपोलो बोलता है ना, उसको सूर्य भगवान को मानता है, तो इसीलिए दोनीपोलो। चलो तब तो अभी फिलहाल इसका जो डेकोरेशन है ना, तो यहाँ का जो लोकल आदमी है इसी ने किया हुआ है, और ए टू जेड तो पूरा सुना हूँ तो ए टू जेड बम्बू का बनाया हुआ है। अंदर का जो है उसका बम्बू और काठ वो सब मिला के बनाया हुआ है, जो भी हो वो तो पता नहीं, वहाँ पर जाके पता चलेगा। चलो तभी देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं है, पहुँचने वाला हूँ।
शायद यहाँ से आगे जाने नहीं देगा, तो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जो भी हो, ये है उसका मेन गेट। चलो पहले अभी बाइक बाइक रुक के यहाँ साइड से आया था, और ये हो गया राउंड और ये हो गया मेन गेट। चलो अभी फिलहाल देखते हैं इन लोग का जो सिक्योरिटी है, जो आर्मी है, उन लोगों को भी पूछता है अंदर जाने देगा क्या नहीं देगा। और नहीं देने से भी कोई बात नहीं है। इसका जो डेकोरेशन है ना, ये कैसे किया हुआ है, बॉम्बू कैसे बनाया हुआ है, सब कुछ आप लोगों को ए टू जेड दिखाएंगे। ठीक है, चलो तब तो आगे चलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट पे पहले वाला एयरपोर्ट पे ऐसा बोले तो क्या बोलूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये सामने ये देखिए दिया जलाया हुआ था उस टाइम ही जब ओपन किया था, तो अभी भी पड़ा हुआ है। चलो जो भी हो देख लीजिए आप लोग भी, और मैं भी देखता हूँ। ये हो गया हम लोग का बसंती, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और भर इतना बर्तमान इतना एंट्री हेरी करना है, और ठीक है नेक्स्ट टाइम अपना इलाके मैं अपना भर भाग तो देखा चेस्ा करम। बर्तमान एन गेट अपना कमप्लीटली देखने पासे एन आपलोर ए टू जेड पूरा बाहेरे बनवा से, पूरा ए टू जेड बाहेरे बनवा से, और विराटे धुनिया। और बर्तमान इतना इन भल्ला ना कि सन्ध्या भग बा राति भगत एकदम बहुते धुनिया लगे। ठीक है, आज भिडिओ मैं इनते आदाय कर, और जितना भी फ्रेंड्स है ना, प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, और आ जाइए देखने के लिए, अच्छा बना रहा है। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।